गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 3 अक्टूबर 2020। क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए जो वर्कशीट आई है, वर्कशीट 78। चलिए बेटा, आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसमें आंसर्स नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी और आप खुद से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुल करेंगे। सबसे पहले बेटा आप माइंडफुलनेस करेंगे, आपकी टीचर आपको बताती होंगी, वीडियो भेजती होंगी, वीडियो ऑडियो जिसमें आपको माइंडफुलनेस कैसे करना है बताया जाता है। आप रोज़ सुबह ये किया कीजिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा। चलिए सप्ताह की गतिविधि स्टार्ट करते हैं। घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। अब बेटा घर में, आपके घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उपलब्ध, वो आप खुद उसमें सूची बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बर्तन, अलमारी, बिस्तर, टीवी, फ्रिज, किताबें, बैग, है ना, चादर, तकिया, कपड़े, कंप्यूटर, फ़ोन, कितनी सारी चीज़ें हैं, इसका आप खुद से सूची बनाएंगे। सेकंड है, एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम रोज़ यूज़ करते हैं बेटा, फ़ोन, ठीक है, और किताबें, बर्तन, कपड़े, टीवी, बिस्तर, पंखा, रिमोट, बहुत सारी चीज़ें हैं, कूलर, आप ये कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और भी सोचिएगा, मैं तो थोड़ी सी चीज़ों के नाम बता रही हूँ। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। सोचिए कौन सी चीज़ें हैं जो सप्ताह में एक बार यूज़ होती हैं। देखिए, खेलने की चीज़ें, ठीक है, जैसे पेंटिंग करना हम कभी कभी एक हफ्ते में कर सकते हैं, ड्राइंग करना, साइकिल चलाना, मार्केट जाना, तो सप्ताह में एक ही बार करते हैं। और भी कुछ और भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आप करते हैं वो लिखिएगा। एक ऐसी सूची तैयार करें जिनको एक महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है, एक महीने में। अब आप सोचिए एक महीने में क्या क्या हो सकता है। देखिए, खाने में मैगी या जंक फूड महीने में हम एक ही बार खा सकते हैं ना बाहर जाके, और भी कोई काम हो सकता है महीने में एक बार जो हम करते हो, सोचिएगा और ख़ुद से लिखिएगा। और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनका प्रयोग लगभग एक साल में होता है। बेटा एक साल में आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, सोचो ज़रा, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो। मेरे हिसाब से देखो, पटाखे, साल में दिवाली एक बार आती है तो एक बार जलाते हैं, वैसे तो अब नहीं चलाने पटाखे, ठीक है। होली के रंग, होली जब आती है तो होली पे रंग यूज़ करते हैं, राखी, ठीक है, और बर्थडे जो होता है वो साल में एक बार आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं उसकी, बर्थडे पे, जन्मदिन पे जो टोपी होती है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो साल में एक बार। जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो लिखनी है आपको, ठीक है। फिर ऐसी वस्तु की सूची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता है। ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनका प्रयोग नहीं होता है, सोचिए। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे घर में, कुछ खिलौने हैं पुराने जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, कुछ बर्तन भी होते हैं, कुछ कपड़े भी होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, उनकी भी सूची बनाइएगा। यदि हम प्रयोग ना आने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा स्वयं पर, समाज पर और पर्यावरण पर। बेटा देखिए, अगर हम प्रयोग में ना आने वाली वस्तुएं अगर हम नहीं खरीदते तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे पैसे बचेंगे, हमारे पैसे की बचत होगी, और क्या होगा, कोई और व्यक्ति जिसे ज़रूरत होगी तो वो उसे खरीद सकता है, और यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि बार बार नया सामान बनाने में बहुत ही मशीनों द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे सामान खरीदेंगे जिनका यूज़ ही नहीं करते हम, वो सामान पड़ा रहता है तो हमारे पैसे भी खर्च हुए, और हम उसे जब लेकर आते हैं तो उनसे जो मशीनें जिनसे वो बनता है उससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है, तो पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है, ठीक है। बेटा ये वर्कशीट बहुत इजी थी, मैंने जस्ट समझाई है, आप इसका आंसर खुद कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।